आज जाओ तो हम लोग का रेस चल, हम लोग आगे जा रहे हो आपसे। भैया हमारी नेक चलाओ। आप आगे जाएंगे। वापस आ गए हम लोग। हम इनको जाते रहे, आराम से ही जाने। आप जाओ जल्दी, आपके पैसे वसूल नहीं होएगा। हमको आराम से जाने का। अंकल भगाओ आप। एनिम और मार्वल, आपको अगर कुछ भी उसका ये देखो वाइल्ड बफेलोस सामने ही मेरे। वाइल्ड बफेलो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय व्लॉग्स। और आज हमारा डे 3 महाबलेश्वर का, और आज हमारा लास्ट डे भी होने वाला है। सो हम लोग ने कुछ प्लान नहीं किया कि कहाँ जाने वाले हैं, और अभी सब लोग रेडी हो गए हैं। अभी हम फटाक से नाश्ता करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाना है। सो स्टे ट्यून और देखते हैं कि अभी हमारा क्या प्लान बनता है। ओके सो संकेत का एज यूजुअल क्रोकोडाइल बना है। कल भी क्रोकोडाइल बना था, आज भी क्रोकोडाइल बना है। और ये हमारे एक कैंपर आज की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट दिन है तो उनको कैंपिंग करना था, तो कैंपिंग भाई हेलो। हाय कैंपिंग, गुड मॉर्निंग। कैंपिंग ओहो, अकेला कि डॉलर के साथ? अकेले ही हम, क्या करेंगे। ओहो तो देखो, अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो आ जाओ इनके साथ कैंपिंग करने के लिए। फिलहाल अकेले ये रैकेट ही नहीं रहे। मॉन्स्टर पक्का नहीं तो अंदर मिक्स कर जाएगा। गाइस देखो इसको, ये अकेला ही ऐसे। हम लोग सब, बाकी सब शरीफ है। ये पी रहे एनर्जी ड्रिंक। इसको देखो पीपी के देखो। हाल पे बेहाल, इसका हाल बेहाल हो गया। अभी ये क्रोकोडाइल हो गया। सो अभी हमारा नाश्ता हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए। यहाँ पे एक पास में ही एक वाटरफॉल है और पंचगंगा जाने वाले हैं, और बाकी के 2-3 पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं आज। तो अभी चलो निकलते हैं डायरेक्टली। आपको मिलता हूँ मोटर ब्लॉक के सेटअप में। सो इस प्यारे से सुबह और इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ हम अपनी ब्लॉक की शुरुआत करते हैं। अभी हम जा रहे हैं पंचगंगा। पंचगंगा मतलब वहाँ पे 5 रिवर्स का पानी आके मिलता है वहाँ पे, और उस टेम्पल है वहाँ पे, उस टेम्पल में 5 रिवर का पानी आके मिलता है, और वो देखने हम जाने वाले हैं। उसके बाद हम वाटरफॉल के लिए भी जाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे आज स्पॉट हम लोग कवर अप करने वाले हैं। लास्ट डे आज का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर करने का देखेंगे कि कितना ज़्यादा हमसे हो पाता है। यार इसे रोड पे आ गए हैं, और रोड तो अच्छी है, पर अभी पता नहीं हम जो जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है, बिकॉज यहाँ पे गूगल मैप काम नहीं करते। यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, जियो को तो ज़रा भी नहीं है। कई कई पॉइंट है, जैसे महाबलेश्वर अगर टाउन में आप आ रहे हो तो आपको नेटवर्क मिलेगा, वरना आपको कुछ भी लाइक गूगल मैप के सहारे यहाँ पे अगर आप घूम रहे हो तो आप लोकल से कंसर्न, मतलब लोकल से आप पूछ लो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप प्रॉपर जा रहे हो कि नहीं थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के बाद, बिकॉज गूगल मैप दिखाता है एक चीज़ पर, वहाँ पर वो नहीं रहती है। हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हम पंचगंगा जा रहे हैं पर वो अपोजिट डायरेक्शन में कहीं बता रहा था, तो हमने बस एक ऐसे ही वापस थे तो उनसे पूछ लिया, तो बोला कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए, आपको वो साइड जाना है। हाँ रोड की हालत बहुत, मतलब पूरा ऑफ रोड ही है ये, ऐसा समझ के आओ। और हाँ अगर आपको अलग से अगर आना है, लाइक आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास प्राइवेट आपको अगर ट्रांसपोर्ट से आना है, तो यहाँ पे आने का 1000 रुपीज़ लिया जाता है, क्योंकि बहुत अंदर है और ऑलमोस्ट ये एक ट्रैक भी है शायद, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हो। और रोड की हालत तो बहुत ही बहुत बदतर यार, बहुत बम्स होते हैं और रोड ही नहीं है यहाँ पे तो। सो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, और देखते हैं अभी अंदर जाने का कुछ चार्जेस तो आए या नहीं होना चाहिए चार्जेस। ओके सो आ गया, हमें अभी बाइक की पार्किंग देख रहे हैं, बाइक पार्क यहाँ की जा सकती है। जा रहे हैं मंदिर के यहाँ पे, और ये सब मंदिर है यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। सो एक सर्कल हो जाता है वो पूरा, और सर्कल में सब मंदिर आ जाते हैं, पर हम लोग जा रहे हैं पंचगंगा। यहाँ जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे पिकनिक आ रही है हम लोग। ये देखो जहाँ जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे पिकनिक। हम लोग स्प्लिट होके जा रहे हैं, हम लोग 3 जन हम लोग के अंदर जा चुके हैं, और 3 जन हम लोग अंदर जाने का बाकी है, बिकॉज शूज़ निकालना पड़ेगा यहाँ पे पिकनिक आई है, तो बाद में वो शूज़ किधर गुम हो गए इसके लिए। तो
यहाँ पे एक मुख है बट यहाँ से पानी आ नहीं रहा है, और बाकी के आगे जो है मुख उसमें से पानी आ रहा है, पर वो एक ही मुख है रे पांच। अच्छा उसके अंदर पांच मिल रहे हैं ऐसे क्या? अच्छा तो ये क्या संगम है क्या कि बिगनिंग? सब लोग यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन चैंटिंग। तो गाइज ये है, और आप देख सकते पानी कितना क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और इसमें स्नान भी करते हैं बट अभी अलाउड नहीं है शायद। और आप देखे तो वहाँ से पानी आ रहा है, वो पीने के लिए पानी लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर फाइव रिवर्स का वाटर आता है और वो एक होके इसमें से बाहर निकल रहा है, और ऐसे मन्नतें भी है कि इसके अंदर अगर सिक्का डालोगे कि जो भी विश करते हैं वो पूरा हो जाता है। मैंने भी विश मांगी है, और मेरी विश आप सबको पता ही हो क्या है, पर वो जब हो जाएगी पूरी तब मैं खुद से बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे विश क्या मांगी थी। तिथे ना तिकट हवा देते इनको एक याच्यात पुढे ठेवू ना त्याच्यात, असं काय ना ठेवू शकतो ठेवू याच्यातले तू पण ठेव ना। मैं अंदर जाके आ चुका और मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत शूट किया है, भले ही मेरे को पता था कि अंदर अलाउड नहीं था बट आपके लिए मैं थोड़ी रिस्क ले ली और अंदर मैंने देखा कि पांच नदी का वो जो कॉम्बिनेशन है, वो पांच नदी कौन से है, वो है कृष्णा नदी, वीणा नदी, गायत्री नदी, सावित्री नदी और कोयना। तो ये पांच नदी मिलके उस मुख में से जो पानी आता है वो पांचों इन पांचों नदी का, इसलिए ये बहुत ही होली वाटर है। ओके तो आगे अभी निकलते हैं। इसके पीछे ही और एक मंदिर है, समर्थ मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, और एक हाँ और तीन मंदिर है, तो दो का नाम मुझे पता है, समर्थ मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, और बहुत ही पुराना वाला ये है दत्त मंदिर, एंशंट दत्त मंदिर ना है, दत्त मंदिर है बट पुराना स्ट्रक्चर है, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। इसका जो लाइक ये जो पत्थर है वो उस टाइम के पत्थर है, मतलब इतना पुराना है, सोच लो। इसका स्टेयर्स भी बहुत पुराना है, और ये व्यू है कुछ ऊपर से बहुत अच्छा, बहुत पुराना है ये। सो ये कुछ व्यू है यहाँ से, यहाँ से सभी मंदिर दिख रहे हैं। वहाँ पे एक है ये वाला मंदिर, और बहुत सारे मंदिर है इसी एरिया में, तो यहाँ से सभी मंदिर दिखते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं महाबलेश्वर मंदिर, और ये भी एक मंदिर। सो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है शायद, तो या सो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, तो यही से हम तय करते हैं। सो हमारा अभी महाबलेश्वर वाला भी दर्शन हो चुका है, महाबलेश्वर मंदिर का। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जाना है वीणा लेक या फिर एक वाटरफॉल है वहाँ पे। सो अभी एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको मोटर ब्लॉक के सेटअप में मिलता हूँ, और अगर कुछ बीच में अगर आ जाता है इम्पोर्टेंट तो वो भी दिखा देंगे। प्यासे लोग देखने हैं, प्यासे लोग, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, भूखे नहीं पर प्यासे। और अभी सारे मंदिर के दर्शन हो गए हमारे, जितने भी मंदिर थे सारे दर्शन ले लिए। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, उसलिए मैंने रिस्क खाली एक ही बार लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? वाटरफॉल या फिर लेक, दोनों में उसी एक जगह पे जाएंगे, और आपको डायरेक्टली अभी मैं मोटर ब्लॉक के सेटअप में मिलता हूँ। सो ऐसे छोटे छोटे रास्तों में ऐसे बड़े बड़ा ट्रैफिक आपको मिलते रहेगा महाबलेश्वर में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बिकॉज रोड यहाँ के बहुत छोटे हैं, और गाड़ी जब दो बड़ी गाड़ियाँ पास होती है एक के एक सामने तो पॉसिबल नहीं होता। यह ट्रैफिक का ज़्यादा कुछ विषय नहीं है, आज सैटरडे इसलिए सब मेन है, वरना कल हम लोग घूम रहे थे कुछ ट्रैफिक नहीं था, कोई कुछ ट्रैफिक फिर कुछ नहीं, मस्त घूम रहे, इधर डाल उधर डाल किधर डाल, मस्त फटाफट निकल के हम लोग पॉइंट पे पहुंच रहे थे। आज ही हम लोग को इतना टाइम लग रहा है बिकॉज आज है सैटरडे, तो
तो आज सब आए हैं यहाँ पे घूमने, और अभी हम जा रहे हैं लेक पे, लेक विना लेक, देखेंगे बोटिंग करनी है या नहीं, वो वहीं पे डिसाइड करेंगे हम। ओके सो अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं, और लेक के बाजू में ही यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे रुके हम लोग खाना खाने के लिए, ताकि खाना खाने के बाद पटक से बोटिंग की जाए। और खाना में क्या मंगाया गया है दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड। तो खाने के नाम पे फ्राइज विथ पेरी पेरी मंगाए गए हैं, और वहाँ पे यहाँ पे कुछ गेम से कॉर्नर है, ये है शूटिंग बॉल, वो कभी नहीं गिरता, और यहाँ पे इनको हराने के बाद कुछ तो इनाम ले जा सकते हो आप, पीछे जो भी रखा है वो। और ये कुछ गेमिंग कॉर्नर्स है, और ये 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 वहाँ पे जाके आया, खेल के आया, जीता ये, और इसको मिला है ये मिला इसको जिसने बड़ा सा मगरमच्छ क्रोकोडाइल। सो अभी हम आए बोटिंग के लिए, और यहाँ पे अभी बोटिंग करेंगे, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। और मेरे को जैकेट भी पहनना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जैकेट पहन जाऊँ। हम लोग भी जैकेट पहन रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, तो अभी मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ बोट पे के लिए, बोट राइडिंग। और आप देख सकते हो हमारी बोट यहाँ पे रेडी है। और सर आपका नाम क्या है? सर अब्दुल वासित। सो अब्दुल सर हमको अभी राइड कराने वाले हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं बोट में जाता हूँ। अब्दुल मैं हमको अभी लेके जाएंगे, और वहाँ पे बैठे हैं हमारे शुभम, अबे संकेत, और ये तीनों जन पीछे बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, चलो अभी। और जैसे भी नहीं आ रहा, इधर से पूरा पूरा दिख रहा है, तू उल्टा बैठा है, ये सीधा हो जाता है। और हमने जो पे किया है वो है 1200 रुपीज़ 6 जन का, और हम लॉन्ग राइड लेने वाले हैं हनुमान टेम्पल तक। और शॉर्ट राइड अगर आपको चाहिए रहता है तो आप 600 में कर सकते हो, बट वो खाली 15 मिनट्स का, और जो यहाँ तक ही, यहाँ से ही वो जो आगे से ही आपको घुमा के लेके आएंगे। बट अभी हम जा रहे हैं बहुत दूर जा रहे हैं हम, और टाइटैनिक होने के मुकाबले टाइटैनिक रिपीट होने वाला है यहाँ पे। नहीं वो सेल्फ वाले उन लोग। पैडल बोट में मशक्कत बहुत करनी पड़ती है, और हमें मशक्कत नहीं करनी है कि हम लोग को कल जाना भी है, फिर से घर भी जाना है, तो अगर पैर भी दुख जाएंगे तो वो राइड नहीं हो पाएगा इतनी दूर तक, इसलिए हमने ये रोविंग वाली बोट ले ली है। और हम सबको टक्कर मारते हुए, हेलो हेलो, कितने टाइम तक? एक घंटा। अच्छा, वो टाइम को और टाइम पता कैसे चलता की होने आया है? टिकट देने से टाइमिंग चालू होता है, पर अगर वो एक घंटे बाद लेट आया तो टाइमिंग बढ़ते तो पैसा बढ़ता है। अरे वहाँ पे तो बहुत रिस्की है भाई, ये आप अच्छा है, डिपॉजिट रहता है उसका 1000 रुपया, और आपके साथ रहेगा तो कुछ नहीं, ड्राइवर साथ में डिपॉजिट नहीं रहता। ओके, तो ये एक बात है कि अगर आप खुद से बोट ले रहे हो और खुद चलाओगे तो 1000 रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा बोट का, और अगर आप ड्राइवर के साथ आ रहे हो तो आपको कोई डिपॉजिट देना नहीं पड़ेगा, और कोई टाइम लिमिट का भी ये नहीं है, क्योंकि ड्राइवर हमको लेके जाएगा वैसे हम जाएंगे, वरना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज पर अगर टाइम एक्सीड हो जाता है तो। और एक बोट है वहाँ पे, वो भी हम लोग भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। हेलो, तो इन लोग का और हम लोग का रेस चालू है, तो देखते हैं अभी कौन फास्ट जाओ, तो हम लोग का रेस चालू, हम लोग आगे जा रहे हो आपसे। हार जाएंगे, वाटरप्रूफ नहीं है वो, ये वाटरप्रूफ नहीं है, घर जाएंगे, मेरा घर जाएंगे। सबसे आगे बैठा हुआ कैप्टन ना वहाँ पे, और वहाँ पे कैप्टन लूफी, यूसुफ, कैप्टन यूसुफ, वो वहाँ पे हनुमान टेम्पल है, और यहाँ तक राइड आती है अगर आप 1200 रुपीज़ पे करते हो, 200 पर पर्सन, हम लोग ने 6 लोग का पे किया है, तो ये हनुमान टेम्पल है, और यहाँ से बोट हमारी अभी टर्न खाएगी आगे से,
अगर आप 1200 पे करके आओगे तो आप यहाँ तक आ सकते हो, वरना आपको वहीं से जाना पड़ेगा। हमको जाते रहे, आराम से ही जाने, आप जाओ जल्दी, आपके पैसे वसूल नहीं होगा। हमको आराम से जाने का, अंकल भगाओ आप। जल्दी जल्दी लेके जाओ इनको, हमारा अभी और एक टर्न हो। तो मेरी बोटिंग हो गई है और मैं इनसे पूछता हूँ कि इनको कैसे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैसा था? एक नंबर, एक नंबर, awesome. मजा आया, फिर से करेंगे कि नहीं? कभी बहुत मजा गया। अगर महाबलेश्वर आ रहे हो तो बोटिंग ज़रूर करना, और हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग भी ज़रूर करेंगे। तो अभी हम आए हैं महाबलेश्वर मार्केट घूमने के लिए, और देखते हैं क्या मतलब, लेने का तो कुछ नहीं है ऐसे एज ए सच, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज लेने की है। तो देखते हैं अभी कहाँ पे मिलती है, अगर यहाँ पे अच्छी मिल जा रही है तो यहाँ पे ले लेंगे, वरना फिर नॉर्मली घर पे जाते वक्त भी ले सकते हैं, तो फिर वो भी कर लेंगे। और अभी खाली एक्सप्लोर करने आए मार्केट, तो मार्केट देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाता हूँ मार्केट कैसा है और आगे का देखते। यहाँ पे एक ताकि अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम भी ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा आइसक्रीम का शॉप्स है और जेलीज देखता हूँ, सोच रहा हूँ मैं जेली लेने का, जेलीज जाते वक्त ले लूँगा। वैसे तो लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था मार्केट में, लास्ट टाइम मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं था, एज ऑफ नॉर्मल मार्केट रहता है, वैसे ही नॉर्मल मार्केट है। बट यहाँ पे मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी रहती है उसका पता नहीं लाइक प्राइस ज़्यादा रहता है, अगर आप फार्म से लेते हो तो आपको फ्रेश भी मिल जाते हैं और आपको थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो रहते हैं वो लाइक वाया वाया आता है तो वो थोड़ा महंगा भी रहता है, और पता नहीं कि वो फ्रेश रहता है कि नहीं। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बेसिकली अगर स्ट्रॉबेरी लेंगे तो फार्म से ही ट्राई करना, ना कि मार्केट से। ये सब पॉइंट है जो आप महाबलेश्वर में एक्सप्लोर कर सकते हो, आप पॉज करके देख लेना, और वैसे आपका प्लान ट्रिप जो रहेगा वो ट्रिप जो प्लान करना, लाइक हमने इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट तो कवर कर लिए, पर सब कुछ कवर करना 3 दिनों में पॉसिबल नहीं था। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ये पॉज करके देख लो और वैसे ट्रिप आपको प्लान कर सकते हो, और ऊपर रेट्स भी दिए हैं, उस हिसाब से भी यार अपने आपकी खुद की गाड़ी भी लेके आके आप घूम सकते हो। वुलन क्लोथ्स है यहाँ पे, हेज़ल चॉकलेट, एज पर यहाँ पर ठंडी बहुत है तो वुलन क्लोथ्स आपको लाने ही है, और यहाँ पे हर चीज़ का लाइक सब कुछ स्ट्रॉबेरी का मिलता है, जस्ट नेम इट और आपको वो स्ट्रॉबेरी के रिलेटेड मिल जाएगा। नॉर्मल मुंबई का मार्केट है वैसे ही है, कुछ फैंसी नहीं है, बैग्स स्लीपर्स नॉर्मल सब जो मुंबई में मिलता है वो सब वही यहाँ पे वही है सर, खाली एक अगर आपको कुछ याद लेके जानी हो तो आप लेके जा सकते हो। बेसिकली आगे कुछ है नहीं दिखाने जैसा, आगे आप देख सकते हो इतना ही है पूरा मार्केट, वैसे नॉर्मल मार्केट है वैसा ही है, कुछ खास है नहीं। हम लोग यहाँ पे आए थे स्ट्रॉबेरी लेने के लिए और ज़्यादा कुछ स्ट्रॉबेरी दिख नहीं रही है, हालांकि वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी वाला, मैं उनको पूछता हूँ कि उसका रेट कितना है और वैसे आपको बताता हूँ एक सेकेंड। कैसी है स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी 160 रुपये किलो है। किलो एक एक किलो है का? अच्छा, मग हे किती लाय बास्केट? 80 रुपये। आणि तो बास्केट? 50 रुपये। आणि हे काय? गोल्डन मेरी त्याला म्हणतात। अच्छा, हे कसे मग? हे बघा, इथं हे बघा, हे 200 रुपयाचा डबा आहे, 100 रुपयाचा डबा आहे, त्याला गोल्डन बेरी म्हणतात। हे मोठे आहेत का याच्यात? नाही, हे कवरच्या आतमध्ये आहेत। ओके, हे कवरमध्ये आहेत, हे फळ कवरमध्ये आहेत अशा। अच्छा, मग हे 100 रुपये? हे 200, हे 100 आहे, हे 100। अच्छा, आणि काय तुमच्याकडे मग अजून? आणि मलबेरी? राजबेरी आहे, हे 200 रुपये। राजबेरी आहे का? राजबेरी आहे। हे कसे? 200 रुपयाचा डबा आहे। हा, 200 रुपयाचा। ओके, मग हे वेगळे आहेत का स्ट्रॉबेरी? वेगळे। हे कशी? ही 160 रुपये किलो आहे, ही 260 रुपये किलो आहे। ती मोठी आहेत आणि म्हणून ती वेगळी जात वेगळी आहे ती म्हणून। अच्छा, मग गोड कुठली असते? गोड जास्त ही लागणार, ही जास्त गोड आहे। कसे आहे ते? ठीक है, आपने देख तो लिया जो स्ट्रॉबेरी पीछे थी उसके अलग अलग कैटेगरीज है, और अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है उसका प्राइस, और यहाँ पे और भी कुछ वेरीज है जो मुझे नहीं पता थी, रास्पबेरी के बारे में पता था, बट जो दूसरी वाली उन्होंने दिखा वो नहीं पता थी, और पर उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी लेके जाऊँ, रास्पबेरी भी लेके जाऊँगा और स्ट्रॉबेरी तो लेके ही जाऊँगा ऑब्वियसली।
तो अगर आप एनिम वॉच करते हो तो आपको पता रहेगा ये कैरेक्टर्स कौन है, और मेरे को जो चाहिए वो ये वाला जोरो या फिर लूफी, और यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स भी हैं, सो ये वाला दिया जा रहा है स्वॉर्ड जोरो का। ये बैटरी, ये देख थॉर का हैमर, ये कितनी लाए मी कितनी लाए कितनी है कितनी ला, ये वो गॉन्टलेट पन है 150 ला 40 रुपए गॉन्टलेट अन्य गॉन्टलेट मुंबई ला प्रॉफिट। सो मुझे जो चाहिए वो है ये वाला लूफी, और ये लूफी का कमी के लगे लूफी का जोर को मैंने विचार ना करने का जोर ना है। ये देखो वाइल्ड बफेलोस सामने ही मेरे, वाइल्ड बफेलो आएगा ऊपर सामने ये मेरे, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे, ये देखो वहाँ पे ही, ये देखो जा रहा नीचे, ठीक है। बाइसन बाइसन ये देखो एक वहाँ पे है, आई होप गोप्रो कैप्चर कर रहा है उसका। ये देखना सिंग देखना उसको कितना है बाबा, और देखो बाबा ये टेकड़ी होता है तो आसान है, पसंद है ना तो रब करो ये ना, ये देखो भाई एकदम पास, ये तू क्या करते थे बग जाइए लगे डाले